वृंदावन। यूं तो यहाँ अनेकों मंदिर हैं जो कई दशकों से राधा कृष्ण के प्रेम और भक्ति का केंद्र बने हुए हैं। कहने को यहाँ 5000 से ज्यादा मंदिर हैं और हर मंदिर की एक अपनी अलग कहानी है। कुछ मंदिर आधुनिक हैं तो कुछ प्राचीन, लेकिन वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर है श्री राधा वल्लभ मंदिर। कहा जाता है कि सन 1584 में श्री वनचंद्र महाप्रभु के शिष्य और अब्दुल रहीम खान खाना के दीवान श्री सुंदरदास जी ने इसका निर्माण करवाया था। यह उस समय का भारत का पहला ऐसा मंदिर था जो लाल पत्थर का बना हुआ था, जिसे आज हम राधा वल्लभ जी का पुराना मंदिर नाम से जानते हैं। कई वर्षों तक श्री राधा वल्लभ लाल यहाँ विराजमान थे, लेकिन वर्तमान में इसके ठीक पास में बने नए मंदिर में श्री राधा वल्लभ लाल अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल को श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने प्राप्त किया था, जिनका जन्म मथुरा के बाद नामक गांव में हुआ। महाप्रभु जी के बारे में और अधिक हम राधा वल्लभ मंदिर के सेवाधिकारी से जानते हैं। इस रसराज भूमि का प्राकट्य होने के लिए श्री प्रिया प्रीतम ने निकुंज धाम में अपनी 3 सखियों को पृथ्वी पर आने के लिए उत्कंठा उत्पन्न की। वो 3 सखियां हैं ललिता, विशाखा और मुरली। ललिता सखी के अवतार श्री हरिदास जी, जिन्होंने बांके बिहारी प्रकट किए निधिवन राज से। विशाखा सखी किशोरवन व्यास जी महाराज प्रकट हुआ विशाखा सखी। और हित हरिवंश महाप्रभु, जिन्होंने श्री राधा वल्लभ लाल को प्राप्त किया, वो मुरली के अवतार, भगवान की मुरली। तो एक आत्मदेव ब्राह्मण थे, वो भगवान शंकर के उपासक थे, निष्काम भाव से सेवा किया करते थे। एकदम भगवान शंकर प्रकट हुए और कहा, भाई निधि जो सेवा करता है मैं उसको कुछ ना कुछ अवश्य दूंगा। बोले, महाराज मैंने तो कोई कामना से सेवा की नहीं है। नहीं की है तो भी मैं आया हूँ तो कुछ ना कुछ तो दे के जाऊँगा, कुछ मांगो। बोले, महाराज क्या मांगू, आपको जो अति प्रिय हो वही दे दीजिए, जो आपके हृदय में बसता हो, अत्यंत प्रिय हो वही दे दीजिए। भगवान शंकर के हृदय में तो भगवान विराजमान होते हैं। उन्होंने उठा के अपनी एक विग्रह राधा वल्लभ लाल का आत्मदेव ब्राह्मण को दिया। अब ब्राह्मण बोला, महाराज मुझसे तो ये सेवा होगी नहीं, क्यों, मैं तो अकिंचन हूँ, मेरे पास कोई धन संपत्ति कुछ भी नहीं है, प्रेम की सेवा कैसे हुई। बोले, चिंता नहीं करो, मैंने उसकी व्यवस्था भी कर दी है, दोनों तरफ की व्यवस्था कर दी है, अपनी सेवा की भी और आपकी चिंता की भी, क्योंकि आपकी 2 कन्याएं हैं निर्धन होने के कारण से, उनका विवाह नहीं करेंगे, आचार्य महाप्रभु आएंगे, उनको आप मेरे स्वरूप के दर्शन कराना मेरे स्वरूप के लोभ से, और वो दोनों कन्याओं को ले जाएंगे। श्री राधा वल्लभ लाल महाप्रभु जी को उनकी दूसरी शादी में दहेज के रूप में प्राप्त हुए, इसलिए इन्हें दहेज का ठाकुर भी कहा जाता है। जब श्री हरिवंश जी ठाकुर जी को वृंदावन ला रहे थे, तब उनका सामना नरवाहन नाम के एक डाकू से हुआ। तो यहाँ वृंदावन में एक बड़ा भारी डाकू नरवाहन नाम का निवास किया करता था। हरिवंश जी महाराज के समीप में भी आया तो नरवाहन ने कहा, महाराज मैं आपको क्या भेंट करूं? बोले, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, ठाकुर जी की मन सेवा के लिए थोड़ी सी भूमि की आवश्यकता है। नरवाहन ने कहा, महाराज थोड़ी नहीं, आप तीर चलाइए और ये तीर जहाँ तक जाएगा वहाँ तक की आपकी सेवा के लिए भूमि आप उपयोग में ले सकते हैं। हरिवंशी महाराज ने ऊंची ठौर से तीर चलाया और यहाँ चीरघाट तक तीर गया, जहाँ तक वृंदावन की भूमि, राधा वल्लभ संप्रदाय की भूमि, और यहाँ पर इसी बीच में ये राधा वल्लभ जी के मंदिर की स्थापना हुई। श्री हरिवंश महाप्रभु जब श्री राधा वल्लभ लाल को वृंदावन में लाए, तब यहाँ घना जंगल था और स्वामी जी ने ठाकुर जी का स्थान भी इसी घने जंगल में लता पताओं से बनाया
और जीवन भर किसी मंदिर का निर्माण नहीं करवाया। यहाँ सारी ओर लता ही लता थी, पहले महल नहीं थे, वृक्ष और लताओं की कुंजियाँ बनी हुई थी। सुना होगा बिहारी लाल का दोहा है, तरण तनुजा तत्तमाल तरवर बहु छाए, झुके कुल सो जल प्रदूषण हित मनो सुहाए। इस प्रकार से कुंजें एक दूसरे से लिपटी हुई मानो यमुना जी के चरण ब्रज रज के स्पर्श कर चरण को स्पर्श करने चाहती हो, ऐसी लता कुंजों में विराजमान थी। वहाँ आपने आचार्य महाप्रभु ने इनकी प्रेम से सेवा की। श्री हरिवंश महाप्रभु के पश्चात उनके पुत्र श्री वनचंद्र जी के समय में श्री राधाबल्लभ लाल के पुराने मंदिर का निर्माण करवाया गया। ये पुराना मंदिर लाल पत्थर वाला, इसमें एक बादशाह ने मंदिर बनवाया, ठाकुर जी को विराजमान किया, ठाकुर जी विराजमान करके बहुत दिन सेवा की। औरंगजेब ने वृंदावन के तीन मंदिर बड़े बहुत ऊंचे थे, गोविंद देव जी, राधा वल्लभ जी, गोविंद देव मदन मोहन जी, इन तीन मंदिरों पर दीपक जलते थे, तो दीपक की रोशनी वहाँ तक उसको दिखाई देती थी। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने आतंक करके और इन मंदिरों को खंडित किया। ये तीनों देव, गोविंद देव, राधा वल्लभ, बांके बिहारी और मदन मोहन, ये सब राजस्थान चले गए। मदन मोहन जी और गोविंद देव जी तो राजस्थान में रह गए, जयपुर में गोविंद देव जी, करौली में मदन मोहन जी, और भगवान श्री राधा वल्लभ लाल को कामबन में ले गए, वहाँ विराजमान रहे। राधा वल्लभ लाल 123 वर्ष कामबन में विराजमान रहे, फिर वहाँ से लाके ठाकुर जी को यहाँ मंदिर में विराजमान किया, तत्पश्चात इस मंदिर की स्थापना हुई। नए मंदिर का निर्माण सन 1824 में अंग्रेजों की शासनकाल के दौरान करवाया गया। श्री राधा वल्लभ लाल के साथ राधा जी ना होकर उनकी गद्दी होती है, इस स्वरूप में होने के कारण इन्हें श्री जी भी कहते हैं। संतों ने राधा और कृष्ण की एक ही स्वरूप में उपासना की है, अलग अलग नहीं है। राधा कौन है? राधा भगवान के अंतर हृदय में निवास करने वाला प्रेम ही राधा है, मूर्तिमत है, भगवान से अलग नहीं है। इसीलिए इसी कारण से इन स्थानों पर बांके बिहारी में, राधा वल्लभ में, इन दोनों स्थानों पर एक ही मूर्ति है। रूप वेल प्यारी बनी प्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिल एक भय श्री राधा वल्लभ लाल। रूप क्या है? रूप किसी सुंदरता का नाम नहीं। श्री जी का स्वरूप अपने आप में बेहद मनमोहक है, लेकिन इनकी आंखों के बारे में क्या ही कहने। पहली झलक में मुमकिन है कि आप इनकी आंखें ही ना देख पाए। हमारे श्री राधा वल्लभ लाल के नेत्र अति अनियारे, चतुर और आकर्षक है, अद्भुत नेत्रों की लीलाएं हैं। जब ये जीव अपने राधा वल्लभ लाल के नेत्रों से नेत्र जोड़ते हैं तो प्रकट दर्शन होते हैं कि नेत्र चलायमान होते हैं। जिस तरफ खड़ा हो जाता है प्राणी और दर्शन करने लगता है, लगता है मुझको ही देख रहे हैं, और थोड़ी देर में ये पुतली स्वयं चलने लग जाती है क्योंकि अमृतमय। यहाँ श्री जी की सेवा ऋतु के अनुसार और जीवन के अनुरूप होती है। हमारी राधा वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम सेवा है, प्रातः काल मंगला आरती में भगवान के स्वरूप के मंगल दर्शन है। मंगला आरती के दर्शन जीव करता है तो उसका पूरा जीवन मंगल में होता है। हमारे ब्रजवासी तो कहते हैं कि जो करे राधा वल्लभ की मंगला वो कभी न होए कंगला। इसके पश्चात उस मंगला भोग में ठाकुर जी को उत्तम उत्तम पकवान, मक्खन, मिश्री, मेवा आदि भोग लगाए जाते हैं। उस समय प्रभु एक ही स्वरूप, एक ही वस्त्र में विराजमान रहते हैं मंगल भोग में। मौसम के अनुरूप प्रभु की सेवा होती है। वेदों में निषेध है गर्म जल से भगवान को स्नान कराना, लेकिन यहाँ आत्मवत् सेवा है, इसलिए सर्दी के दिनों में अपने श्री राधा वल्लभ लाल को उष्ण जल से स्नान कराया जाता है। दस्ताने पहनाए जाते हैं, मोजा पैरों में पहनाए जाते हैं, अंगूठी तपाई जाती है और गरम गरम पकवान जो है भोग लगाए जाते हैं। दूसरे हमारे यहाँ की उपासना है आत्मवत, जो हम बार बार कह रहे हैं। ठाकुर जी को जो दोपहर का मध्यान्ह का भोग लगता है, हमारे यहाँ राजभोग बोलते हैं, आप लोग की भाषा में लंच बोलते हैं, वो सिंहासन पर नहीं होता है, उसके लिए अलग भगवान का मंदिर है, वहाँ ठाकुर जी को विराजमान करते हैं हम लोग। लेकिन उसमें एक विशेषता है, मध्यान्ह में जब ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए जाते हैं तो कमर का जो फेंटा होता है, हम लोग उसको पटका बोलते हैं, आप लोग फेंटा बोलेंगे,
वो फेंटा खोल दिया जाता है कि प्रसाद पाने में ठाकुर जी किसी प्रकार का व्यवधान न हो, कष्ट न हो। दूसरे आपके जो है श्रृंगार में फूल श्रृंगार जितना है वो सारा उतार दिया जाता है कि ठाकुर जी के प्रसाद में कोई फूल न चला जाए। जब राजभोग आरती आप लोग करेंगे करते हैं तो वहाँ देखते हैं कि भगवान के पट का खुला हुआ है, एकदम ढीले ढाले वस्त्र हैं। ये आत्मवत् सेवा है। तत्पश्चात मध्यान्ह के समय ठाकुर जी का कोई श्रृंगार नहीं है, पूरा श्रृंगार उतारा हुआ है, केवल एकमात्र लंगोटी और तन सुखी है। अभी हम लोग श्री जी को सिज्जा घर में विराजमान करके आए हैं अपने कंधे से, और उनके श्री अंग पे इत्र और फुलेल की मालिश की है। अभी भी हमारे हाथ में भी फुलेल की खुशबू आ रही है, और उतनी देर तक मालिश करते हैं जब तक कि हमको ये आभास नहीं हो जाए कि हमारे श्री जी आलस्य में आ गए। और जैसे ही हमको ये आलस्य में आ गए हैं आभास होता है, तुरंत छोड़ के और पट बंद करके बाहर निकल आते हैं। इसी तरह फिर संध्या को सेवा होगी, पूरी संध्या को उसी तरह की सेवा होगी, उत्थापन आरती होगी। श्री जी उत्थापन आरती से पहले जब हम लोग जाएंगे तो वहाँ एक घड़ा में सुराई में जल रखा होता है, चार लड्डू रखे होते हैं, चार पान रखे होते हैं, न मालूम प्रभु को कब जलपान की इच्छा हो जाए, सज्जा घर में रखे होते हैं ये। अब हम लोग जाएंगे, एक पथ खोलेंगे, सबसे पहले प्रभु को आचमन कराएंगे, आचमन करा के सिंहासन पर विराजमान कराएंगे, फिर श्रृंगार कराएंगे, संध्या आरती के बाद दर्शन खुले रहेंगे, फिर वो शयन आरती, वही क्रिया फिर होगी, फूल श्रृंगार उतार दिया जाएगा, वस्त्र खोल दिए जाएंगे। और फिर इसी के साथ श्री जी अपने शयन कक्ष में आराम करने के लिए चले जाते हैं। राधा वल्लभ मंदिर के उत्सव भी बड़े ही निराले होते हैं, जिनमें से सबसे अधिक प्रसिद्ध इनका ब्यावला यानी विवाह उत्सव है। सखियों के हृदय की अनुराग है हमारे यहाँ का एक अत्यंत अद्भुत उत्सव, वो और कहीं नहीं होता, केवल राधा वल्लभी संप्रदाय में है वो उत्सव, वो है विवाह उत्सव। वहाँ उस पद में आया है, सखियन के उर कछु ऐसी आई, कहाँ प्रकट हुई ये लीला, बोले सखियों के हृदय में आनंद मगर हुआ, क्योंकि प्रिया प्रीतम का अद्भुत मिलन का ही दर्शन करना सखियों का स्वरूप है। सर्दियों में यहाँ खिचड़ी उत्सव मनाया जाता है, जिसकी प्रसाद की खिचड़ी बेहद ही स्वादिष्ट होती है। शिशिर ऋतु में हमारे यहाँ खिचड़ी उत्सव होता है, उस खिचड़ी उत्सव में ठाकुर जी के छद्म वेश की झांकियाँ होती हैं और अलग पोशाक धारण होती है, उसका नाम है परगुल, रजाई जैसी, पहले पूरा मस्तक से लेकर और नीचे तक पूरा एक ही में ढक जाता है शरीर। गर्म वस्तुएं मेवा आदि की खिचड़ी है, पकवान है, रबड़ी है, मलाई है, ये सब भोग लगा के तो सबको इस तरह से मनाया जाता है। यहाँ सेवाधिकारी आपस में किसी का नाम लेकर नहीं पुकारते, बल्कि आपस में एक दूसरे को जय जय कहकर बुलाते हैं। सेवा के समय सेवाधिकारी अपरस का विशेष ध्यान रखते हैं कि जब वे अपने घर से पारंपरिक वेशभूषा में मंदिर आए तो वे किसी भी प्रकार से किसी से भी ना छुएं। अपरस और सप्रस दो चीजें हैं। अपरस का तात्पर्य यह है कि हम ठाकुर जी के योग्य बन जाए, तो इस चर्म को शुद्ध करके और समीप में भगवान के जाएं तो तन और मन और वस्त्र ये शुद्ध होने, किसी भी जीव से छूना छानना नहीं, क्योंकि हम जा रहे हैं प्रभु के समीप में, किसी प्रकार के पाप को लेकर के उनके समीप न जाएं, निर्मल होकर के जाना ही अपरस है। अगर मन में किसी प्रकार की मलिनता रहती है तो वो सप्रस हो जाता है। ये जितने जीव हैं बाहर, ये सब संसार से छुपे हुए हैं। जब हम लोग ठाकुर जी की सेवा में आते हैं तो अपना तन मन वस्त्र सब कुछ निर्मल करके उनके श्री चरणारविंदों में कि केवल मैं एक फूल के समान आपके चरणों में आया हूँ, ये भाव करके, यही अपरस है। कुछ इसी प्रकार का ध्यान श्री जी की रसोई में उनका प्रसाद बनाने वाले भी रखते हैं। जिस तरह गर्भगृह में बाहर के किसी भी व्यक्ति का प्रवेश मना है, ठीक वैसे ही रसोई में भी प्रवेश करना मना है। इसी कारण से श्री जी की सेवा में रसोई में किसी का भी स्पर्श नहीं होता है। वही लोग जाते हैं
जो कि हमारे यहाँ के मंत्र से दीक्षित हैं, दीक्षा से दीक्षित हैं और हमारी पद्धति को जानते हैं। जो पद्धति को नहीं जानते हैं उनका वहाँ प्रवेश नहीं है, यही अप्रस है। जो पद्धति नहीं जानते हैं वह सप्रस है। सबसों हित निष्काम मति वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल की जय।